चांदपुर पुलिस ने बाइक सवार दंपत्ति से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने वाले लुटेरों को धर दबोचा है। दरअसल बीती 26 जुलाई को दो बाइकों पर चार बदमाशों ने ग्राम हल्ला नंगला निवासी उदयवीर और उसकी पत्नी से तमंचे की नोक पर उस वक्त लूट की वारदात को अंजाम दे डाला था जब उदयवीर अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट रहे थे। बदमाशों ने बाइक सवार महिला के कानों से सोने के कुंडल, नाक की लौंग, सोने का तावीज और 9000 की नकदी लूट ली थी। चांदपुर कोतवाली प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने लूट के मामले को गंभीरता से लेते हुए लुटेरों की तलाश शुरू की तो मोबाइल के आधार पर लूट में शामिल आसिफ को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस लूट में शामिल बाकी 3 लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। ये 26/6 को उदयवीर अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था, अपने घर जा रहा था। ये इलावास थाना नेटवर्क का रहने वाला है और इसके रास्ते में इसकी पत्नी के साथ कुंडल, मोबाइल और पैसे लूट लिए थे। तो उसमें वादी ने गाड़ी के डिस्कवर गाड़ी और उसके आखिरी के 4 नंबर नोट कर लिए थे गाड़ी के डिस्कवर के 5898। तो डिस्कवर गाड़ी 5898 की तलाश करते रहे हम लोग, चेकिंग करते रहे क्षेत्र में। कल रात में ये गाड़ी जाती हुई पकड़ी गई। 2 आदमी बैठे हुए थे, 1 आदमी कूद करके भाग गया। उसमें आसिफ शनाख्त होते जहानाबाद का रहने वाला पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना का इकबाल किया और घटना में लूटे गए पैसे बरामद हो गए उससे, और मोटरसाइकिल डिस्कवर जो लूट में प्रयुक्त हुई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। इसके साथ ही भागने में कामयाब रहे दिलसाद इमरान दानिश, जो इसके साले हैं वो हैं और वो HS भी हैं। दिलसाद इमरान दानिश जो इसके साले हैं वो कहने वाले नहीं सकते हैं, HS है। उनकी तलाश की जा रही है। सर ये आसिफ कहाँ के निवासी हैं? सर ये आसिफ जहानाबाद गांव रहने वाला है, इलावास थाना नेटवर्क के रहने वाले हैं। यहाँ रिश्तेदारी में आए हुए थे चांदपुर से जा रहे थे वापस रास्ते में।